आइए अगला सवाल फवाद साहब से पूछते हैं। फवाद साहब, बिजनेसमैन सक्सेस तो हो गया लेकिन बहुत सारे चांसेस होते हैं उसके फेल होने के, तो फेल होने की क्या वजूहत होती है, क्या सूरत हाल होती है, क्यों आदमी फेल हो जाता है बिजनेस में? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, रोग कहते हैं बीमारी को जी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग समाज क्या कहेगा, लोग क्या जी, कहेंगे, जी, अरे मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, उन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया, अब मैं कहता हूं कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। असल में हमारे माशरे में एक थिंकिंग ये बन गई, एक थॉट ये बन गया कि मेरा बेटे ने पढ़ाई की है ना तो उसे जॉब ही करना है। जी हाँ, शायद भूल गए हैं कि जो बरकत, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिजनेस में अल्लाह ताला ने रखी है, जो तासीर बिजनेस में रखी है, वो किसी चीज में नहीं रखी। जी आप अब जॉब कर रहे हैं और बिजनेस में आप जॉब दे सकते हैं, तो सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो पेरेंटल प्रेशर आता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। उसके लिए बहुत सारी काउंसलिंग वर्कशॉप्स होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, नहीं तो आप खुद समझाइए, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। एक पहले पायलट फेज पे काम शुरू करिए, उनसे मशवरा लेके, उनकी कंसेंट लेके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, मैं राधा राय शुड से, उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक पायलट फेज पे, और जब वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाए या उसकी कामयाब होने के इम्कान ज्यादा हो, लर्निंग फेज में, मैं भी नहीं बोलता कि आप बड़ा कारोबार शुरू कर दें, और अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। दूसरा, मैंने बिजनेस शुरू करा, दावे हम असल में शुरू में बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन कामयाब इंसान का राज कामयाबी का ये है कि जब तक वो काम को इख्तिताम नहीं कर देता, अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, तब तक वो अपने राज, अपनी बातें मार्केट में नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक तो चीज ये कि क्या कहेंगे लोग, साइकोलॉजिकल फैक्टर पड़ता है, और जब तक आदमी खुद प्रिपेयर नहीं हो पाता ना कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा कारोबार शुरू करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं है इसके अलावा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह, अगर आपने इस चैलेंज को केटर कर लिया, काउंटर कर लिया, इससे मुकाबला कर लिया कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ये सारे चैलेंजेस को जो उसके बाद आएंगे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग जी। तो नाज़रीन, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग, इसको आपको अपने अंदर से दूर करना पड़ेगा। लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, लेकिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, अपना जो काम आप जो शुरू करना चाहते हैं, जो बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसे बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े लेवल पे शुरू कीजिए, आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं उसको। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे पेरेंट्स से, हमारे बुजुर्गों से, कि आप अपने बच्चों के अंदर इस बात की फिक्र पैदा करें, उनको इस बात को उन्हें सिखाएं कि बिजनेस करना ज्यादा फायदे की चीज है, रिस्क होता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रिस्क नहीं होगा, रिस्क होगा, लेकिन जिसमें अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी अगर आप उसको सुन्नत तरीके से और इस्लामिक तरीके से करेंगे। तो अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।